तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों बच्चों आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। बच्चों ऑन डिमांड एग्जाम के अंदर, ऑन डिमांड एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा भाई? मैं एग्जाम का, मैंने सीट बुक कर लिया, मैं सीट बुक करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ठीक है सर। मैं 16 मैं जुलाई से लेकर सितंबर में सीट बुक कर भी लूंगा या कर भी लूंगी, तो पकड़ के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो भाई दोनों को मैं एड्रेस करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो कब आएगा रिजल्ट? और ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चे। वीडियो छोटी है लेकिन फुल्ली इन्फॉर्मेटिव रहेगी बच्चे। अगर आप तक अपने एडमिशन नहीं लिया है तो बच्चे लास्ट डेट और फीस वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, बाकी यहाँ मैं बता देता हूँ बच्चे। लास्ट डेट का मतलब क्या है कि 16 जुलाई से अगर एग्जाम स्टार्ट है और 15 सितंबर तक एग्जाम है, ठीक है बच्चे। सितंबर सितंबर है बच्चे, 16 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक एग्जाम होने वाला है। तो लास्ट लास्ट डेट क्या हुआ? 16 जुलाई। और लास्ट डेट का मतलब लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है क्या? लास्ट, तुमको ही कह रहा हूं, लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है बच्चे। पता क्यों? लास्ट डेट का वेट करने का मतलब है कि बच्चे सीट अगर खत्म हो गए, अगर सीट खत्म हो गए तो बच्चे अपना चांस गया, अपना चांस गया। 30 डे के अंदर, जो 30 दिन के अंदर जो हम पास हो सकते हैं ना, जो रिजल्ट, देखो मैंने बता दिया कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चे जो 30 दिन के अंदर जो पास हो सकते हो, अगर आप लास्ट डेट का वेट करोगे और अगर सीट भर गया तो बच्चे गया ना, फिर मौका, फिर मौका गया, फिर मौका मौका करते रह जाएंगे फिर हम। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ी बेवकूफी नहीं करनी है बच्चे, हमें स्मार्टली काम करना है, हमें स्मार्टली काम करना है बच्चे। अगर स्मार्ट वर्क करोगे तभी लाइफ में आगे आगे बढ़ोगे। हार्ड वर्क करने वाला भाई बहुत लोग हैं, पसीना बहाए जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं भाई, 500 600 500 600 इससे ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम, सॉरी बच्चे, एग्जाम एग्जाम जो है 16 जुलाई से 15 सितंबर, ठीक है ये तो हाँ। तो बच्चे लास्ट डेट भी यही है, लास्ट डेट भी यही है। तो बच्चे टाइम कम है, और अगर बच्चे सीट कम गया, अगर सीट अवेलेबल नहीं रहा तो बच्चे चांस नहीं रहेगा फिर आपका। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सीट बुक कर लो, क्या सीट बुक कर लो, ठीक है बच्चे। अब कौन कौन ऑन डिमांड दे रहा है तो मैं बता देता हूँ। तो अगर बच्चे आपके आगे आए थे SYC SYCT SYCP या फिर कुछ ऐसा लिख के आया था रिजल्ट में, तो बच्चे वही बच्चा एग्जाम दे रहा है। और बच्चे फीस बताया था उसी वीडियो में, ठीक है ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताए थे फीस। तो बच्चे अगर मान लो मैक्सिमम फीस बताता हूँ मैं, जनरल जनरल बच्चा लड़का हो, मैक्सिमम फीस कितना होगा? 100 200 में अंतर आता है। 100 200 के लिए भाई ये कि नहीं झंझट करना है हम कि सर मैं सर 100 रुपये नहीं दूंगा या फिर सर 900 रुपये ज़्यादा ले रही है। तो मैं मैक्सिमम फीस बताता हूँ कि मैक्सिमम फीस कितना है, इससे अनुमान लग जाएगा आपको कि अगर आप EWS हैं, OBC हैं, SC है, ST है तो क्या फीस रहता है। तो आइए बच्चे मैक्सिमम फीस लेके चलते हैं। बच्चे ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो, चूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसके अंदर फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल होता है प्लस बच्चे थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एग्जाम होता है। तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एग्जाम का फीस कितना होता है? फीस क्या रहता है? तो बच्चे फीस रहता है 900 रुपए से लेकर 950 रुपया, ठीक है। ये बच्चे वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है। किसी के बच्चे केस में 850 भी हो सकता है, ठीक है, किसी बच्चे के इसमें 750 भी हो सकता है अगर उसका प्रैक्टिकल नहीं है तो, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो। तो बच्चे ये सीन रहता है। फीस का भी क्लियर हो गया, लास्ट डेट का भी क्लियर हो गया, और बच्चे बताता हूँ रिजल्ट का। तो बच्चे रिजल्ट आता है 30 दिन बाद। रिजल्ट मान लो कि आज 1 तारीख है, आज 1 जुलाई है या फिर 1 अगस्त है। अगर 1 अगस्त है तो अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो मतलब सितंबर के 1 तारीख को 2 तारीख को रिजल्ट आ जाना चाहिए। मिनिमम 30 दिन, मैक्सिमम 45 डे, मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 45 डे के अंदर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो आई होप मैं आपका डेट बता पाया हूँगा। और बच्चे अगर आपका एडमिशन अब तक नहीं लिया है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, उस पर कॉल करो भाई, नॉलेज ले लो। अगर एडमिशन नहीं भी कराना है, सिर्फ नॉलेज लेना है, फीस भी पता करना है, तो बच्चे कॉल कर लो, ठीक है। क्योंकि कुछ भी खरीदो, कुछ भी करो, तो नॉलेज लेके करो बच्चे। 10 जगह जाओ, 1 जगह से काम कराओ। जो पैसा कम ले रहा है, जो काम अच्छा कर रहा है, सर्विस दे रहा है, उसके पास से कराओ। और आप खुद से क्यों नहीं करो बच्चे? खुद से कर सकते हो, लेकिन बच्चे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि खुद से नहीं करना। अगर खुद से करते हो तो बच्चे दिक्कत क्या आ सकती है? अगर कुछ भी गलती हुआ
तो बच्चे एडमिशन भी नहीं होगा और पैसे भी जाएंगे आपके, ठीक है, और टाइम तो वेस्ट होना ही है क्योंकि एक साल पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां जाकर कॉल कर सकते हो, वहां पर जाकर अपना एडमिशन ले सकते हो, नंबर कॉल मैं उठाता हूँ, ठीक है। अपनी कोई टीम नहीं है बच्चे, टीम कोई नहीं है, सामने एक सामने भाई भैया खड़े हैं आपके और एक मैं आपका सर खड़ा हूँ, ठीक है, बस दो हम दो मिलके भाई सेवा कर रहे हैं। और भाई मैं सिर्फ सेवा के लिए हूँ भाई, अगर मैं आपके मेरे बारे में जानना चाहोगे तो बच्चे मैं किसी दिन अगले अलग से बताऊंगा। बच्चे आई होप वीडियो आपको समझ पाए होगे, आपकी वीडियो में था क्या, वीडियो में था बच्चे कि रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट 30 से 35 दिन में 40 दिन में आ जाता है बच्चे, ठीक है। फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब बता चुका हूँ बच्चे। वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो बच्चे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।